अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज है थर्सडे का दिन, यानी कि एक दिन रह गया जी वीकेंड जाने में। थर्सडे का दिन जो है हम लोग को बड़ा पसंद है, अच्छा लगता है, और थर्सडे के दिन हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है क्योंकि वीकेंड करीब आ रहा होता है। दूसरा, थर्सडे के दिन थोड़ी थोड़ी एनर्जी भी ड्रेन होती है क्योंकि आपका पूरा वीक जो होता है वो काफ़ी हेक्टिक गुजर चुका होता है। अच्छा जी, आज के दिन जो हम लोग बातें करने वाले हैं वो हमारे माशरे में मौजूद कुछ बीमारियां कह सकते हैं, बुराइयां कह सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वो इस तरह से कि जब हम लोग उसको ओवरऑल कलेक्टिवली देखें तो रीज़न जो होते हैं वो यूजली माशरे पे आ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस तरह की बात क्यों की। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता है कि हमारे पास होती है एक्सरसाइज, और हम चाहते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो, बहुत अच्छा हो, हेल्दी हो। जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर हम आपको देते हैं टिप। टिप के बाद आपसे पूछते हैं एक पोल का सवाल, और पोल के सवाल के बाद आपको पता है थर्सडे के दिन हम बात करते हैं जानवरों की सेहत पर, जो हमारे पेट होते हैं, पेट केयर का सेगमेंट होता है जी हमारे पास लाइफस्टाइल के सेगमेंट में। तो आपके जो सवालात होते हैं वो जो ग्रीन तोते के 2-3 बार सवाल आ चुका है अभी मेरे पास रिसेंटली, वो पूछूंगी। हम मछली की बात कर रहे थे, उसके बारे में बात करनी है जी आज। अगर आपने भी कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं घरों में डॉग्स पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, बहुत अडोरेबल भी होते हैं, अच्छे भी लगते हैं। हाँ ठीक है, मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड है, आप उनको घर के बाहर रखें, अंदर ना आने दें, बट बाहर भी रखें तो ट्रेन कैसे करें, ट्रेनिंग उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आज हम उनकी ट्रेनिंग पर बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा आज जिस चीज़ पर मैं बात करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे माशरे में एक बुराई की तरह हमारे अंदर प्रिवेल कर रही हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें उस चीज़ की तरफ पुश कर देते हैं, कुछ हम लोग की साइकोलॉजिकल हेल्थ ऐसी होती है कि हम आराम से पुश हो जाते हैं और फिर आखिर में रह क्या जाता है, सिर्फ एक रिग्रेट रह जाता है। आपके लिए नहीं, डेफिनेटली आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सुसाइड की, सुसाइड यानी खुदकुशी। कुछ लोग इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतने होपलेस हो जाते हैं, जबकि हमारे रिलीजन में भी है कि मायूसी जो है वो बिल्कुल गुनाह है, मायूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मायूसी का मतलब ये है कि आप खुदा की ज़ात से भी मायूस हो गए, और खुदा की ज़ात से कोई इंसान कभी मायूस नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। यू नेवर नो हाउ गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू। कितनी भी बुरी सिचुएशन चल रही होगी, कितना भी बुरे हालात होंगे, आप उसके अंदर से चुटकी में निकलेंगे अगर आप दुआ करें और खुदा चाहे तो। और खुदा जो है वो सूनर लेटर आपके लिए कोई ना कोई एक रास्ता ऐसा खोल देता है। फिर भी हम लोग जो है एकदम से, क्योंकि हम लोग के वो मिजाज जो हो गए हैं वो इस तरह के हो गए कि बस अभी है तो अभी है वरना नहीं है, इम्पेशेंट हो गए हम लोग, तो खुदकुशी की तरफ लोग चले जाते हैं। लड़के लड़कियां, बच्चियां, बड़े मतलब बड़ी एज में भी लोग चले जाते हैं, जिम्मेदारियों से घबरा के खुदकुशी करने की तरफ कोशिश करते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं होता, ये कोई एस्केप रूट नहीं है। इस एस्केप रूट के क्या वजूहात हैं वो तो हम सब डेफिनेटली समझते ही हैं, हर इंसान की अपनी एक कोई वजह होती है, बट खुदकुशी को हमारे इस्लाम में किस तरह देखा जाता है, खुदकुशी की जिसे कहते हैं क्या रिपरकशंस हमारे फैमिली पे आ सकते हैं, हमारे सराउंडिंग में लोगों पे आ सकते हैं, और ख़ुद आप पर आ सकते हैं जब आप जब कयामत का डे होगा, फेट डे जो हमारा है उस दिन, तो किस तरह के रिपरकशंस जो हैं एक इंसान को फेस करने पड़ेंगे और कर रहा होगा, उस पर डेफिनेटली बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप तो करके चले जाते हैं, और जो लोग सर्वाइव कर लेते हैं उनकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है, जो लोग करके चले जाते हैं फिर उनके पीछे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ पर बात करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी साइकोलॉजिकल इशू है उसके लिए हम लोग मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, बहुत लोग मौजूद हैं, डिस्कस करें, बात करें, तरीका कोई हल निकालें, कोई ना कोई लोगों से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई हल ज़रूर निकलेगा। कोई प्रॉब्लम दुनिया में ऐसी नहीं होती जिसका हल नहीं निकल सकता। डिसअपॉइंटमेंट इज सीरियसली नॉट अलाउड। हाँ, थोड़ा टाइमिंग का डिप्रेशन ज़रूर होता है, बट डिसअपॉइंटमेंट कम्प्लीटली इज़ नॉट अलाउड। मायूसी बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप के अराउंड में जो लोग हैं, चाहे चले बहुत करीबी घर वाले नहीं, आपके माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, स्पाउस नहीं है, तो क्या हुआ, दोस्त तो हैं, नेबर्स तो हैं, अराउंड में काम करने वाले कॉलीग्स तो हैं, कोई तो है, कोई एक इंसान तो किसी इंसान के पास होता है।
और हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स, अपनी सारी चीज़ें दिल में रख लेते हैं. जब आप वो दिल में रख लेते हैं, अंदर रख लेते हैं, तो वो एक खुबार से जमा हो जाता है. कुछ लोगों का किसी पे निकल जाता है, कुछ लोगों का नहीं निकल पाता, और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की तरह हमारे अंदर कलेक्ट होता रहता है एंड कैन लीड टू सुसाइड, यानी खुदकुशी. चले जी, ये बात हम आज बहुत डिटेल में करने वाले हैं. मैं सारी बातें तो आपसे अभी नहीं करूँगी. इसके बाद होगा बेस्ट फाइव का सेगमेंट और एक सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे पास मौजूद होंगी. अच्छा जी, आज वाली जो गेस्ट है ना, वो एक फैशन डिज़ाइनर है और हम उनसे बात करेंगे अबाउट फैशन, फैशन ट्रेंड्स, अबाउट कलर्स जो सीज़न में इन है, अबाउट कट्स जो सीज़न में इन है, लॉन जो इन है, बहुत सारी चीज़ों पर बात की जाएगी जी. अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमें ईमेल करना healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthymorning.tv, यहाँ पे भी आप आकर हमसे बात कर सकते हैं. हमसे बात करने का तरीका बड़ा आसान है. आपको पहले जाके पेज को लाइक करना पड़ेगा, यानी हमारा फ़ैन बनना पड़ेगा. फ़ैन बनने के बाद आप हमसे बात कर सकते हैं. हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफा का पेज हमारे मॉर्निंग शो का है, वहाँ पे आप डायरेक्टली आके हमसे बात कर सकते हैं. अच्छा जी, ये तो सारे तरीके हो गए. एक और तरीका मैंने आपको नहीं बताया कि आप फ़ोन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आप अभी नहीं थोड़ी देर की बात कर सकते हैं. आप लोग अभी क्या करेंगे, अभी आप लोग ये करेंगे कि फ़ौरन से उठ खड़े हुए डॉक्टर मुबशरा हमारा वेट करिए, एक्सरसाइज कीजिए और वापस आइए. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर.